गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, वीबीटी के जितने भी पोस्टुलेट थे, अवधारणा थी या जो मेन पॉइंट थे वो पढ़ चुके थे, उनकी लिमिटेशन हम पढ़ चुके थे, ठीक है। सीएफटी को हम स्टार्ट कर चुके थे, सीएफटी के जितने भी मेन मेन पॉइंट हैं वो हमने क्लियर कर लिए थे, ठीक है। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो आपका सीएफटी था, सीएफटी क्या बताता है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है संक्रमण धातु का, ट्रांजिशन मेटल का, वो क्या होता है, कब बनता है, जब इसके डी ऑर्बिटल्स की, डी कक्षकों की समभ्रंशता खत्म हो जाती है। समभ्रंशता का खत्म होने का मतलब क्या है, डीजनरेसी खत्म होने का मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, विरपाटन हो जाता है। यही चीज क्या है, मेन है किसके अंदर, सीएफटी के अंदर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेनली यही कहती है कि जैसे वीपीटी ने ये बोला कि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी खाली कक्षक हैं मेटल के, वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, और उसमें क्या होते हैं, लिगेंड लाकर अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। लेकिन सीएफटी इसको पूरी तरह से नकारता है, वो ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध होता है वो 100% आयनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मेटल के खाली ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, वो अपने इंटैक्ट फॉर्म में रहते हैं, और वैसे ही डी कक्षकों के अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन ला के देते हैं, और अगर वैसे ही डी इलेक्ट्रॉन हम यूज करें और उसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन ला के दे, तो कुछ डी ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है और कहीं पे रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, इन प्रतिकर्षण के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण किस किस के बीच में होता है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, और जो लिगेंड आता है उसके इलेक्ट्रॉन ला के देने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है। अगर वो बिल्कुल एकदम पास में है तो उनमें रिपल्शन होगा, अगर उनमें कुछ डिस्टेंस है तो रिपल्शन कम होगा। इस बेस पे क्या होता है, आपका डी ऑर्बिटल के पांच के पांच जो है डी, वो क्या होते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, विरपाटित हो जाते हैं। कुछ कक्षक जो है वो कम एनर्जी के बनते हैं, कुछ ज्यादा एनर्जी के बनते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज क्या पढ़ना है कि सीएफटी के अंदर दो तरह के संकुल बताए गए हैं, एक तो है ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संरचना होती है, ठीक है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 6 लेते हैं तो, ठीक है। और एक होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या चतुष्फलकीय संरचना, जहां पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मेटल का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो उसमें डी कक्षक का जो विरपाटन है, डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग है, वो किस तरह से होता है, यहाँ पर हमें अब ये स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि सीएफटी के अनुसार जो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संकुल है उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन किस तरह से होता है, यानी अष्टफलकीय जितने भी यौगिक जो कि संकुल जो कि अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं, तो अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विरपाटन ठीक है। यहाँ पे हमें ये करना है क्या, अष्टफलकीय संकुल जो होंगे उनके अंदर क्रिस्टल क्षेत्र यानी डी ऑर्बिटल किस तरह से आपका स्प्लिट होता है, विरपाटित होता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या है ये, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चीज है। इसके अंदर देखो कि अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अष्टफलकीय संरचना है, तो अष्टफलकीय संरचना जो होती है वो किस तरह की होती है कि आपके एक प्लेन के अंदर 4 बॉन्ड होते हैं, किस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगी, ठीक है, जिसको हम किस तरह से शो करते हैं, इस तरह, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो किस तरह से बनती है कि आपके 4 जो बॉन्ड है वो कैसे बनेंगे, इस एक प्लेन के अंदर बनेंगे, ठीक है।
ये वाला प्लेन मान सकते हैं हम एक्स वाई वाला प्लेन, जो कि हमने ऐसे इस तरह से ड्रॉ किया है उसको हम इस तरह से मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्स वाई, जिसके अंदर क्या है, इधर एक्स मान लो इधर वाई मान लो, ठीक है, इस तरह से ये एक्स है और ये वाई है। आपकी तरफ जो थंब आ रहा है वो क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर ये दो एक्सिस है तो इस प्लेन के अंदर क्या होते हैं, चार बॉन्ड होते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर। कहाँ पे जाएंगे, ये एक्स वाई के बीच में जाएंगे इस तरह से, ठीक है, चार बॉन्ड बनेंगे। यानी इस प्लेन के अंदर बीच में क्या होता है, मेटल होता है और उसके चार कोनों के ऊपर क्या होते हैं, चार लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। और दो जो लिगेंड है वो क्या होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है इस प्लेन के और एक इस प्लेन के नीचे की तरफ। यानी यहाँ पे क्या है, इस प्लेन के इस लिगेंड और इसके बीच में जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, 90 का एंगल होता है। नीचे वाला ये जो लिगेंड है इसका और इस प्लेन के साथ जो एंगल है ये भी क्या होता है, 90 का होता है। और इस प्लेन के अंदर ये जो चारों लिगेंड जुड़े हुए हैं इनके बीच का एंगल भी क्या होता है, 90 होता है। यानी एक मेटल 6 लिगेंड से घिरी हुई है और 6 के 6 लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है और इक्वल डिस्टेंस पे है। उनका बॉन्ड लेंथ भी क्या है, इक्वल है। ये बॉन्ड लेंथ इक्वल कब तक है, कब इसमें बॉन्ड लेंथ के अंदर डिफरेंस आ जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगर हमें अष्टफल की संरचना देखनी है तो अष्टफल की संरचना किस तरह से होती है कि हमारे क्या होंगे, इस तरह से चार लिगेंड ये होंगे, ठीक है, चार लिगेंड ये होंगे, एक आपका ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। ये चारों एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री एंगल पे है। हम इसको इस तरह से मिला के देख सकते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है। चार ये क्या होंगे, ये इस तरह से शो हो रहा है, ये ऐसे है, ठीक है, एक प्लेन के अंदर। एक आपका क्या होगा, ऊपर की तरफ, यानी इस जेड एक्सिस पे, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, बाहर की तरफ एक लिगेंड और एक पीछे की तरफ एक लिगेंड, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह से बनती है कि बीच में क्या होता है, मेटल जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, 6 लिगेंड के साथ, जो कि क्या होते हैं, चार एक प्लेन के अंदर होते हैं और दो क्या होते हैं, इस प्लेन से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होते हैं इस तरह की। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर हम अगर बात करें तो एक आपका किधर आ जाएगा, एक लिगेंड इधर आएगा, एक लिगेंड इसे नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ की इन चारों लिगेंड्स के बीच की, ये भी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है इस लिगेंड की इन चारों से, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, इक्वल होती है किसके, इस डिस्टेंस के, जो कि इन चारों के बीच में है, मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। ये वाला जो लिगेंड है इसकी डिस्टेंस जो है इन चारों लिगेंड से क्या होती है, इक्वल होती है इस तरह से, ठीक है। यानी ये क्या है, एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, अष्टफल की संरचना इस तरह की होती है, ठीक है। अब देखो कि अगर इस तरह की संरचना है, अष्टफल की संरचना इस तरह की है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स का विपाटन किस तरह से होता है। तो देखो डी कक्षक जो है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पांच पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, क्या कि जितने भी ये कक्षक है डी एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, ये क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्बिटल्स के अंदर, इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, दो अक्षों के बीच में इस तरह से होती है, ठीक है। जब भी हम इन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड को, तो इनके इनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो दो और अक्षों के बीच में मिलती है, ना कि अक्षों के ऊपर, ठीक है। तो इनका जो डायग्राम बनता है डी ऑर्बिटल्स का वो इस तरह से बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, दो अक्षों के हमेशा बीच में होती है, ठीक है। लेकिन जो लिगेंड होता है, जो बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मेटल के साथ, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट करता है, अक्ष के ऊपर आके डोनेट करता है। कैसे, जैसे अगर हमें यहाँ पे 6 लिगेंड लेके आने हैं इस मेटल के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये लिगेंड इस तरह से आएगा, ये अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
इस तरह से, यानी इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिव चार्ज जो है वो जिस तरह से लेके आएगा इस लिगेंड के इस अक्ष के ऊपर, सॉरी अक्ष के ऊपर लेके आएगा। लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे लेके आता है, अक्षीय स्थितियों पर लेके आता है। यहाँ पे अगर एक लिगेंड है तो ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे है तो ये कहाँ किस तरह से लेके आएगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे है तो किस तरह से आएगा, इस तरह से। यानी यहाँ पर क्या है, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है और जो आपके डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। ये कम होने की वजह से क्या होता है, डी ऑर्बिटल के इन तीन कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम होती है। जब भी डी ऑर्बिटल की समभ्रंशता या डीजनरेसी खत्म होती है तो क्या होता है, इन तीन कक्षकों की ऊर्जा जो है वो औसत ऊर्जा से या एवरेज एनर्जी से क्या होती है, कम हो जाती है। देखो किस तरह से, कि अगर हम डी ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो हम इस तरह से बनाते हैं, ये है डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अष्टफल की जब भी संरचना बनती है तो इसकी स्प्लिटिंग होती है, और वो स्प्लिटिंग किस तरह से होती है कि कुछ एनर्जी जो है इन ऑर्बिटल्स में से, कुछ ऑर्बिटल है जो एनर्जी रिलीज करते हैं जिसको हम सीएफएससी बोलते हैं, और एनर्जी रिलीज करके इस एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी वाले स्टेट पे आ जाता है, ठीक है। तो ये कम एनर्जी वाले स्टेट पे आने वाले जो ऑर्बिटल है डी के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, अष्टफल की संरचना के अंदर, वो कौन से होते हैं, डी एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड, ठीक है, ये होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी इस एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी पे आने पे, तो वो एनर्जी जो है वो हमारी क्या कहलाती है, सीएफएससी कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा कहलाती है। और उसी के बेस पर हम बताते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी किसकी, इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखो, अब ये तीन ऑर्बिटल तो ये हुए, ठीक है। इसके अलावा दो तरह के ऑर्बिटल और हैं यहाँ पे, एक है डी जेड स्क्वायर, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों ही डी ऑर्बिटल जो है ये क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अक्षों पे ज्यादा होती है। कैसे, जैसे इसका आप डायग्राम बना के देखो, अगर हम डायग्राम बनाए किसका, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो वो किस तरह से बनता है, वो हमेशा एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक है। उनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ पे होती है, एक्सिस के अक्षों के ऊपर होती है, इस तरह से, ठीक है। जब हमने डी एक्स वाई बनाया था तो हमने ये जो लोब दिखाया था ये कहाँ पे दिखाया था, इन दोनों अक्षों के बीच में दिखाया था, यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, इन दोनों अक्षों के बीच में थी। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होती है, अक्षों के ऊपर होती है। अब यहाँ पे अगर लिगेंड आता है तो लिगेंड जो है वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है, हमेशा अक्षों के ऊपर इलेक्ट्रॉन देता है, इस तरह, ठीक है, अक्षों के ऊपर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इन इस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी यहीं पे ज्यादा है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, इन दोनों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से, या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट होता है, तो वो इस तरह से स्प्लिट होता है, ठीक है। ये आपको उसके अंदर क्या करना है, एनर्जी डायग्राम यहाँ पे बनाना है, कि अगर हमें क्या पूछे कि ऑक्टाहेड्रल संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है, उसके अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरह से होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन डी ऑर्बिटल्स को क्या करना है, स्प्लिट करना है। डी ऑर्बिटल को जब भी हम स्प्लिट करेंगे तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा। एक पार्ट कौन सा होगा, जो एवरेज एनर्जी से कम होता है। अगर ये एवरेज एनर्जी से कम है, यहाँ से हीट रिलीज होती है जो क्या कहलाती है, सीएफएससी, उसी के बेस पे हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं।
और दूसरा क्या होता है, एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का होता है, ठीक है, जहां पे क्या होती है उन ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक चीज और कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, अष्टफल की संरचना होती है, इसके अंदर इन कक्षकों को बोला जाता है T2G और इनको बोला जाता है EG, ठीक है। नीचे ये जो तीनों कक्षक आए DXY, XZ और YZ, जिनकी एनर्जी क्या है, एवरेज एनर्जी से कम है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, अष्टफल की संरचना के अंदर, इससे T2G से, ठीक है। और जो दो ऑर्बिटल बने उसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, EG से। अब ये T2G और EG क्यों लिखे गए हैं, ये देखो आप, एक तो है आपका T, एक है E और एक है G, तीन वर्ड यूज किए हैं हमने यहाँ पे नए, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है, टी है, टी का मतलब क्या है, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट, या इसको क्या बोलेंगे कि तीन डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि जिसकी ऊर्जा क्या है वो डी जनरेट है या समभल्स है, यानी यहाँ पर T2G हमारे कौन से थे, T2G कौन से थे, एक तो DXY, एक DYZ और DXZ, तीन ऑर्बिटल थे जिनको हमने नाम दिया क्या, T2G, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि ये टी का मतलब है कि तीन ऑर्बिटल जिनकी क्या है डी जनरेसी है, डी जनरेसी यानी समभ्रंशता, और समभ्रंशता का मतलब क्या होता है, जिसकी ऊर्जा समान है, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है। तो यहाँ पे ये क्या है, टी क्या है, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट है, ठीक है, त्रि समभ्रंश कक्षक इनको बोला जाता है, ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट। इसी के लिए इसको टी से लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है वो है ई का, ठीक है। ई क्या बताता है, ई को हमने किस किन कक्षकों के लिए यूज किया था, एक DZ² के लिए और एक DX² - Y² के लिए, इसके लिए हमने क्या लिखा था, EG लिखा था। तो ई का मतलब क्या है, जो डब्ल्यू डी जनरेट स्टेट है, ठीक है। डब्ल्यू डी जनरेट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो ऑर्बिटल डी के ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है आपकी सेम, डीजनरेसी या फिर समभ्रंशता का मतलब ही क्या है कि ऐसे कक्षक जिनके ऊर्जा क्या हो समान हो। तो यहाँ पे क्या है, ये द्वि समभ्रंश कक्षक, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, ई। इसके साथ में हमने क्या है, इनके पैरों में लगाया है जी, ठीक है। जी का मतलब होता है जिराड, ठीक है। जी क्या होता है, जिराड, जो किसके लिए लिखा जाता है, सिमेट्री के लिए, ठीक है, कि ये कक्षक क्या है, सममित है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। जिराड का मतलब है कि ये सममित है या सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है, अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं, अष्टफलकीय जो ज्यामिति शो करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, दो तरह के कक्षक होते हैं। एक होती है ट्रिपली डीजनरेट स्टेट, जिसको T2G से लिखा जाता है, इसके अंदर तीन कक्षक आते हैं, DXY, YZ और XZ, ठीक है। T2G क्यों लिखा जाता है, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट है, यानी तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं D के जिसकी एनर्जी क्या है सेम है। जी इसलिए लिखा जाता है कि ये तीनों कक्षक जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, सममित, ठीक है। और इसी तरह दूसरे जो होते हैं उसे लिखा जाता है ईजी से, ई का मतलब है यहाँ पे डब्ल्यू डीजनरेट स्टेट है, दो कक्षक ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा क्या है समान है, और जी यहाँ जिराड के लिए है कि ये भी क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की या चतुष्फलकीय संकुलों की, तो वहां भी टर्म यही यूज की जाती है T2 और E, लेकिन ये T2 और E के साथ G पैर में, इसमें G या जिराड नहीं लिखा जाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, ठीक है। सिमेट्रिकल कैसे है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, देखो कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, अष्टफल की संरचना बनाते हैं, तो अष्टफल की संरचना कैसे बनती है कि एक प्लेन के ऊपर इस तरह से बनती है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल है
वो क्या है, सारे सेम है, ठीक है। ये जो बोन्ड एंगल है और बोन्ड लेंथ है, ये सारे क्या है, सारे लिगेंड का मैचिंग के साथ या लिगेंड का आपस में क्या है, सेम है। इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, सममित होती है। इसलिए अष्टवलकीय संकुलों में जब भी हम स्प्लिटिंग करवाएंगे डी ऑर्बिटल की, तो वहां पे उनके कक्षकों के नाम के पैर में जी या जिराज लिखा जाता है, यानी ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें चतुष्फलकीय संकुलों की, तो चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर ये जो जिराड है ये यूज नहीं किया जाता, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए तो हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि ये बीच में एक मेटल या नॉन मेटल जो कि इस तरह से बोन बनाए हुए हैं, यानी होता तो क्या है, इनके बीच में भी इक्वल एंगल ही होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पर ये इनकी बोन जो है वो एक्सिस के ऊपर ना आके बीच में कहीं आते हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं रहती है किसी भी लिगेंड और मेटल के बीच में, बोन लेंथ या बोन एंगल के बीच में, ठीक है। तो इसलिए चतुष्फल के जितने भी संकुल हैं तो उसके अंदर हमारे टी टू और ई यूज किया जाता है, जी का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे जिराड नहीं होते हैं, वो ऑर्बिटल सममित या सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, जो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो टी टू जी ऑर्बिटल है, ठीक है, टी टू जी ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल है जहां पर उसके अंदर एनर्जी कम है, यानी हमने क्या किया, जो औसत एनर्जी थी डी ऑर्बिटल की, उसमें से कुछ एनर्जी को रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, और हमने ये टी टू जी ऑर्बिटल बनाया या टी टू जी लेयर बनाया। तो टी टू जी जो है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, और जिस मॉलिक्यूल की या जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। तो टी टू जी की वजह से क्या होता है, स्थायी तो होता है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। लेकिन ये जो इजी कक्षक है हमारे, वो क्या होते हैं, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तरों के अंदर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल ऑर्बिट के अंदर जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। तो इजी कक्षकों की वजह से क्या होता है, अस्थायी तो होता है, अनस्टेबिलिटी होती है। लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट कर देते हैं, एक दूसरे को संतुष्ट कर देते हैं कि इसके कारण जितना स्थायित्व आता है ये ईजी के अस्थायित्व को क्या कर देता है, संतुष्ट कर देता है, और ओवरऑल आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो टी टू जी की वजह से जितना स्थायित्व होता है वो इक्वल होता है किसके, जो ईजी की वजह से अस्थायित्व हुआ उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो आपका ये हुआ पोर्शन कि आपको क्या करना है, डी ऑर्बिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक टी टू जी में जो कम एनर्जी का है, ठीक है, ट्रिपली डी जनरेट स्टेट है, तीन ऑर्बिटल आते हैं डी एक्स वाई वाई जेड और एक्सेट, और एक होता है ईजी में जिसमें दो ऑर्बिटल आते हैं डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ऐसा ही क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है, इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है, इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब एक चीज और आती है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था सी एफ एस सी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, या फिर हम क्या कहें कि अगर दो ऑर्बिटल है, सॉरी डी ऑर्बिटल जो है उनको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में ये एनर्जी डिफरेंस आता है, ठीक है, ये वाला क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इस डेल्टा की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 डी क्यू होती है। ये हमने सी एफ टी जब पढ़ा था तो सी एफ टी के पोस्टुलेट या मेन पॉइंट्स के अंदर, अवधारणाओं के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो वो स्प्लिटिंग की वजह से, डी ऑर्बिटल की जब भी स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग जो होती है उसकी वजह से ऑर्बिटल क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनके बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसको डेल्टा ओ से लिखा जाता है,
अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हम स्ट्रक्चर बना रहे होते तो इसे डेल्टा टी से लिख देते, ठीक है। तो ये जो टोटल डिफरेंस होता है एनर्जी का वो क्या होता है, डेल्टा ओ होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे क्या होते हैं, ए टू जी ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, ई जी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है, ठीक है। अब क्या कि ये जो टी टू जी ऑर्बिटल है वो एवरेज एनर्जी से कितने कम एनर्जी के हैं, तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है टोटल, अगर हम डेल्टा की वैल्यू 10 डी क्यू मानते हैं तो ये जो वैल्यू आती है इसकी, ये क्या होती है, 4 डी क्यू की होती है, और ये जो वैल्यू है ये कितनी होती है, 6 डी क्यू की होती है। यानी ये क्या है, 4 पार्ट से कम एनर्जी का होता है और ये 6 पार्ट से ज़्यादा एनर्जी का होता है, ठीक है। या फिर हम इसे इस तरह से लिखते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे, ये इस डेल्टा ओ का -0.4% है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इसने एनर्जी गेन की, ये +0.6 है डेल्टा ओ का, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी से T2G और EG कक्षकों का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर, दोनों ही संरचनाओं के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये डेल्टा ओ का +0.6 होता है और ये नीचे वाला जो गैप होता है ये डेल्टा ओ का -0.4 होता है। नीचे वाला ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस में आएगा और ऊपर वाला प्लस में आएगा, तो नीचे की जो वैल्यू होती है वो -0.4 की होती है और ऊपर जो है वो +0.6 की होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर होगी तो उसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये चीज हुई है हमारी। अब जब भी हमें अष्टफलकीय संरचनाओं के लिए CFSC की वैल्यू निकालनी है तो CFSC का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इन T2G कक्षकों में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से और EG कक्षकों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे +0.6 से, ठीक है। और उनके उनसे जितनी भी वैल्यू हमें मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, CFSC कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, CFSC जब हमें निकालना है तो -0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसमें है, T2G में, ठीक है, +0.6 y, यानी y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी इसके साथ में क्या होता है, एक पैरामीटर और ऐड किया जाता है a पाई का, ये फॉर्मूला है हमारा CFSC निकालने का, ठीक है। a पाई क्या है, यहाँ पर जो भी इन कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनकी औसत युग्मन ऊर्जा होती है, ठीक है। ए पाई क्या होता है, पाई क्या होती है, औसत युग्मन ऊर्जा या एवरेज पेयरिंग एनर्जी होती है। पाई यहाँ पे क्या है, एवरेज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, या औसत युग्मन ऊर्जा। और ए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके उस कॉम्प्लेक्स में है तो वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है CFSC निकालने का। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके एग्जाम्पल ले लेंगे कि डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बेस पे हम उसकी CFSC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके हम नेक्स्ट वाली क्लास में इसको करेंगे। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो सुरेश और मीना। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो बता दो, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है। आज आपकी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास भी होगी शायद, तो आप देख लेना, ठीक है। मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ।